News 18, India. केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक में कोई सहमति नहीं बनने के बाद किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच की हुंकार भर दी। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसान एक बार फिर दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे और उन्होंने बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से बनाई गई सीमेंट की दीवारों को तोड़ने का भी इंतजाम कर लिया। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने मिट्टी खोदने वाली भारी भरकम मशीनें मंगवा ली। इन मशीनों को खास तरह से तैयार किया गया। मिट्टी खोदने वाली मशीनों को किसी बख्तरबंद गाड़ी की तरह सुरक्षित बना दिया गया। जेसीबी के टायर को किसी भी तरीके से बस्ट या पंचर ना किया जा सके, उसके लिए बकायदा मोटी लोहे की शीट यहाँ पर लगाई गई है। किसानों ने इन मशीनों के करीब करीब हर हिस्से को लोहे की शीट से कवर कर दिया ताकि पुलिस के साथ आमना सामना होने पर उन पर किसी तरह से असर ना हो। इतना ही नहीं, दिल्ली कूच से पहले किसान शंभू बॉर्डर पर पोकलैन मशीन भी लेकर पहुंच गए। ये वो मशीन होती है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े गड्ढे या तालाब की खुदाई के लिए किया जाता है। किसानों ने इस मशीन को भी लोहे की शीट से पूरी तरह ढक दिया। शंभू बॉर्डर पर कुछ किसान इस मशीन के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते नजर आए। किसानों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर भी वहां इकट्ठे कर लिए, लेकिन किसानों ने इस बार शंभू बॉर्डर पर पुलिस को चुनौती देने के लिए सिर्फ खुदाई करने वाली मशीन या फिर ट्रैक्टरों का ही इंतजाम नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो रेत से भरी सैकड़ों बोरियों को भी जुटाना शुरू कर दिया ताकि घग्गर नदी पर एक अस्थायी पुल बनाकर उसे पार किया जा सके। शंभू बॉर्डर से हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे किसानों को रोकने के लिए घग्गर नदी पर बने हुए पुल की पूरी तरह किलेबंदी कर दी गई। वहां बैरिकेडिंग करके पुल को पूरी तरह बंद कर दिया गया। 13 फरवरी को वहां से जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें भी किसान पुल पर बने बैरिकेड और रेलिंग को उखाड़कर फेंकते दिखाई दिए थे। उसके बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे, लेकिन इस बार किसानों ने ऐसे इंतजाम कर लिए कि उन्हें पुल से गुजरना ही न पड़े। को तैयारियां दिखा देते हैं, यहाँ पर करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलिया में भरकर रेत को यहाँ पर लाया गया। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने रेत से भरी सैकड़ों बोरियां जमा कर ली। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दिल्ली कूच से पहले ही सैकड़ों और बोरियों को लाया जाएगा। यानी किसान इस बार पूरी तरह से दिल्ली आने की तैयारी में है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ किसानों की चार दौर की बैठक के बाद भी कोई बात नहीं बनी। एक रोज पहले हुई बैठक में सरकार के प्रस्तावों को किसानों ने खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि सरकार ने जो प्रस्ताव उनके सामने रखे उससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। किसानों का नेतृत्व करने वाले दोनों संगठनों ने प्रस्तावों को रद्द करते हुए सरकार की नीयत में खोट बता दिया। अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती तो वो ऐसा ना करते। बैठक में शामिल किसान संगठनों ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार पूरे देश की 23 फसलों पर MSP गारंटी कानून लागू करे। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। किसानों के साथ बातचीत में केंद्र सरकार ने 5 फसलों पर MSP की गारंटी देने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने कपास, मक्का, अरहर, मसूर और उड़द को लिस्ट में शामिल किया था। सरकार ने शर्त रखी थी कि इन फसलों के लिए किसानों को सरकारी एजेंसियों के साथ 5 साल का करार करना होगा, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को सिर्फ छलावा बता दिया। किसान नेताओं ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में किसानों की तरफ से कोई नई मांग नहीं रखी गई। उधर खराब मौसम की वजह से नई दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली